हाथी और हिप्पो दोनों बड़े स्तनधारी हैं, जो अफ्रीका में रहते हैं। हाथी सबसे बड़े स्थलीय जानवर है और इनका वजन 6000 किलोग्राम तक हो सकता है। वे शाकाहारी हैं और अपनी लंबी सूंड, बड़े कान और दांतों के लिए जाने जाते हैं। दरियाई घोड़ा दूसरी ओर तीसरा सबसे बड़ा भूमि जानवर है और इसका वजन 1500 किलोग्राम तक हो सकता है। वे शाकाहारी भी हैं, लेकिन अपने आक्रामक व्यवहार और शक्तिशाली जबड़ों के लिए जाने जाते हैं। हालांकि दोनों जानवर शाकाहारी हैं, हाथी बहुत बड़े हैं और विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं, जबकि हिप्पो मुख्य रूप से नदियों और झीलों में पाए जाते हैं। हाथी सामाजिक प्राणी है और माता पिता के नेतृत्व में झुंड में रहते हैं। वे बुद्धिमान है और उनके पास जटिल संचार प्रणाली है। वे अपने मजबूत पारिवारिक संबंधों और अपने मृत परिवार के सदस्यों के शोक के लिए भी जाने जाते हैं। हाथियों को उनके लंबे जीवन काल के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से कुछ जंगल में 70 साल तक जीवित रहते हैं। वे बहुत अनुकूलनीय होने के लिए भी जाने जाते हैं और रेगिस्तान, वर्षावन और सवाना सहित कई प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। दूसरी ओर हिप्पो एकांत जानवर है और केवल संभोग के मौसम के दौरान एक साथ आते हैं। वे अत्यधिक आक्रामक और प्रादेशिक होने के लिए जाने जाते हैं और उन्हें अफ्रीका के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। वे मुख्य रूप से रात्रिचर होते हैं और अपना अधिकांश समय पानी में बिताते हैं, जहाँ वे एक बार में 5 मिनट तक जलमग्न रह सकते हैं। वे अपने बड़े दांतों और जबड़ों के लिए भी जाने जाते हैं, जो 150 डिग्री तक खुल सकते हैं और हड्डियों को कुचलने में सक्षम है। हाथी और हिप्पो दोनों एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है और पर्यावरण पर्यटन के माध्यम से कई अफ्रीकी देशों के लिए महत्वपूर्ण आय उत्पन्न करते हैं। दोनों प्रजातियों को मानव गतिविधियों से महत्वपूर्ण खतरों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए इन प्रतिष्ठित जानवरों की रक्षा और संरक्षण के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हाथी और हिप्पो दोनों ही बेहद खतरनाक जानवर हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि कभी भी उनके बहुत करीब न जाएं और जहां ये जानवर पाए जाते हैं वहां जाने पर पेशेवर गाइड और पार्क रेंजर्स के दिशा निर्देशों का पालन करें। हालांकि हाथी और हिप्पो दोनों ही शाकाहारी हैं, लेकिन उनके खाने की आदतें और आहार संबंधी जरूरतें अलग अलग हैं। हाथी घास, फल, पत्ते और छाल सहित विभिन्न प्रकार के पौधों को खाने के लिए जाने जाते हैं। वे अपने बड़े शरीर को सहारा देने के लिए प्रतिदिन 300 पाउंड तक बड़ी मात्रा में भोजन का सेवन करने के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरी ओर दरियाई घोड़े अधिक विशिष्ट आहार लेते हैं और मुख्य रूप से कुछ जलीय पौधों के साथ घास खाते हैं। वे कम चयनात्मक फीडर होते हैं और कम समय में बड़ी मात्रा में वनस्पति का उपभोग कर सकते हैं। हाथियों और हिप्पो दोनों को उनके भोजन की आदतों के माध्यम से पर्यावरण पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए जाना जाता है। हाथी अपने चरने के माध्यम से जंगलों और अन्य आवासों को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, जबकि दरियाई घोड़े अपने चरने और चरने के व्यवहार के माध्यम से क्षरण और अन्य पर्यावरणीय प्रभावों का कारण बन सकते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हाथियों और हिप्पो दोनों का अफ्रीका में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व का एक लंबा इतिहास रहा है। दोनों जानवरों को कई स्वदेशी लोगों द्वारा सम्मानित और सम्मानित किया जाता है और उन्होंने पारंपरिक कहानियों, मिथकों और समारोहों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुल मिलाकर हाथी और हिप्पो दोनों ही आकर्षक और अनोखे जानवर हैं, जो पारिस्थितिक और सांस्कृतिक दोनों दृष्टिकोणों से अफ्रीकी पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों प्रजातियों को मानवीय गतिविधियों से महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और भविष्य की पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए संरक्षण प्रयासों की आवश्यकता है।